दोस्तों आज मैं आपको आने वाले 5 सालों का टॉप 5 जॉब्स बताऊंगा जो कि रिवील किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उनके 296 पेजेस के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है वो 5 डिमांडिंग करियर्स। जॉब नंबर 1 के बारे में शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जॉब नंबर 2, 3, 4 एंड 5 बहुत ही यूनिक है, इसलिए उन्हें बिल्कुल मिस मत करना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते ग्रोथ को देखते हुए सभी काफी डरे हुए हैं। कुछ लोगों के सपने में उनका बॉस यू आर फायर्ड बोलते हुए नजर आ रहा है, तो कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो चुका है कि उनको अपस्किलिंग की कितनी जरूरत है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 का रिसर्च पेपर भी ये प्रूव करता है कि कोई भी ऑनलाइन स्किल जल्दी सीखने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री उतना मैटर नहीं करता है। ये देखिए, यहाँ लाइट ब्लू कलर वाले स्टूडेंट्स सिर्फ 12th पास है और डीप ब्लू कलर वाले स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर्स है। और ये टाइमलाइन है, इन सभी ने सेम टाइम पे सेम कोर्सेज करना स्टार्ट किया, फिर भी 12th पास स्टूडेंट्स एडवांस लेवल के कोर्सेज कितना जल्दी सीख लिए। इसीलिए आप भी आज से डिमांडिंग स्किल सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिवील की गई वो टॉप 5 गेम चेंजिंग जॉब्स, जिसे करके आपका करियर AI प्रूफ बन जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट में पहले नंबर पे आता है डेटा एनालिटिक्स। एक डेटा एनालिस्ट का एवरेज सैलरी सभी दूसरे जॉब्स में काम करने वाले लोगों के मीडियन सैलरी से भी ज्यादा है। मीडियन सैलरी एक सैलरी लिस्ट में बीच का पॉइंट होता है, जिसका मतलब है कि आधे लोग मीडियन सैलरी से ज्यादा कमाते हैं और आधे लोग उससे कम। डेटा एनालिस्ट का एवरेज सैलरी इस मिड पॉइंट से भी ज्यादा होता है, इसका मतलब इस जॉब में आपकी अर्निंग काफी अच्छी होती है। इसके अलावा जो लोग डेटा एनालिटिक्स में एडवांस स्किल सीख लेते हैं उनको उतना ही बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हायर पैकेज मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उबर कंपनी में डेटा एनालिस्ट का काम करते हो तो आपकी एवरेज सैलरी होगी 71,000 पर मंथ। और डेटा एनालिस्ट सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट फ्रेशर हो तो आपको चाहिए 6 से 8 मंथ्स का डेडिकेटेड स्टडी प्लान, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड रिज्यूमे बिल्डिंग। अगर आपको अपना करियर चेंज करना है तो इतना हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। याद रखो, द सीक्रेट टू सक्सेस इज एंजॉयिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड नॉट वरिंग अबाउट द फाइनल आउटकम। अगर आप एक डेटा एनालिसिस फ्रेशर हो तो आपको स्क्रीन पे 6 मंथ्स का डेडिकेटेड स्टडी प्लान दिख रहा होगा। 4 वीक्स बेसिक एक्सेल सीखो, 8 वीक्स BI टूल्स, 4 वीक्स SQL, 4 वीक्स R और Python, फिर 2 वीक्स रियल टाइम प्रोजेक्ट करो एंड लास्ट 2 वीक्स इंटरव्यू दो। लेकिन अगर आपको बना बनाया रोड मैप चाहिए विद प्रॉपर गाइडेंस, तो आप ग्रेट लर्निंग का ये डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑप्शन भी है और जो भी स्टूडेंट्स इनके प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं उनमें से 40% स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कॉलेज के बाद ही 5 लाख पर एनम की जॉब लग जाती है। ग्रेट लर्निंग ने ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम डिजाइन किया है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। डेटा एनालिसिस 16 वीक्स का प्रोग्राम है, यानी कि आप सिर्फ 4 महीने में ही स्किल सीख जाओगे। ये ऑनलाइन एंड फुल टाइम क्लासरूम दोनों मोड्स में अवेलेबल है। टूल्स एंड करिकुलम्स की बात करें तो आप सीखोगे एक्सेल, पाइथन प्रोग्रामिंग, SQL प्रोग्रामिंग, W एंड इंटीग्रेशन ऑफ SQL, पाइथन एंड W जैसे कुछ टूल्स। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके 95% लर्नर सेटिस्फाइड है। यहाँ करियर असिस्टेंस के दौरान आपको 10 गारंटीड जॉब इंटरव्यूज में भेजेंगे, जहां से आपको मिनिमम 3 to 6 लाख पर एनम की जॉब लगेगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से सुन लो। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में या उसके बाद किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद 60% मार्क्स, वो सभी एलिजिबल है। कोई प्रायर कोडिंग नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स देखो, 6,000+ फ्रेशर्स को जॉब मिला है ग्रेट लर्निंग से प्रोग्राम कंप्लीट करके, वो भी 7-8-9 लाख पर एनम जैसी पैकेज पे। क्योंकि ग्रेट लर्निंग पे 2,600 रेप्यूटेड कंपनी हायर करने आती है, लाइक TCS, IBM, GoIBibo etc. और इस प्रोग्राम का बेस्ट पार्ट है कि आपको फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी मिलता है। फुल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस करना है तो ये ट्रेनिंग बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे एंड चेन्नई में जाके इन पर्सन कर लो। और ऑफलाइन क्लासेस के कुछ फायदे भी है, लाइक आपको लिमिटेड 50 स्टूडेंट्स का बैच मिलेगा, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड 10 इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स विद 16 असेसमेंट्स करने मिलेगा। और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो 15 मिनट्स का एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें 15 MCQ क्वेश्चंस पूछेंगे। ये ऑफर सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो डेटा एनालिसिस कोर्स का ब्रोशर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर ग्रेट लर्निंग से आपको एक कॉल करेंगे एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ऑलराइट, अब जल्दी से एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, उसमें क्लिक करने से आप ग्रेट लर्निंग के ऑफिशियल पेज पे आ जाओगे। यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करो, फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना है, लाइक नेम, फोन नंबर, ईमेल, करंट सिटी और आप किस फॉर्मेट में ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना प्रोफेशनल डिटेल्स भर दीजिए, लाइक आपका क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। फिर एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो कुछ ही दिनों में वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है फिनटेक एक्सपर्ट्स। फिनटेक एक्सपर्ट्स एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में हाईली नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिनटेक एक्सपर्ट्स का काम होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मार्केट ट्रेंड्स और रेगुलेशंस को समझना, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इनोवेशन ला सके। फॉर एग्जांपल, जो इंसान मोबाइल पेमेंट ऐप्स के डेवलपमेंट में काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझता है और उसको कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज करना है वो जानता है, उनको फिनटेक एक्सपर्ट्स कहते हैं। और मजे की बात क्या है पता है, गुजरते वक्त के साथ मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और 2024 आने तक 4.8 बिलियन लोग मोबाइल वॉलेट यूज करने लगेंगे। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी काफी मोमेंटम मिल रहा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इसलिए फिनटेक एक्सपर्ट्स की जॉब आने वाले 5 सालों में मोस्ट डिमांडिंग रहेगी। फिनटेक में एक्सपर्टीज गेन करने के कुछ तरीके हैं। आप स्टार्ट करने के लिए कोई फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस या बिजनेस में डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। फिनटेक एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन करवाने वाले ऑनलाइन कोर्सेज और बूट कैंप्स भी है बहुत। एंड उसके बाद आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, फिर आपको वैल्यूएबल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी लिस्ट में थर्ड जॉब पे बढ़ने से पहले बता दूं, जॉब नंबर 4 और 5 बहुत यूनिक है, सो डोंट मिस दैट। तीसरे नंबर पे आता है AI और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज में डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है और इन्हें अलग अलग इंडस्ट्री के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में यूज भी करता है। ये स्पेशलिस्ट लार्ज डेटा सेट्स, एल्गोरिदम्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के साथ काम करके इंटेलिजेंस सिस्टम्स बिल्ड करते हैं जो कि टाइम टू टाइम डेटा से लर्न कर सकते हैं और समय के साथ इंप्रूव हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सेक्टर्स में AI एंड मशीन लर्निंग सबसे ज्यादा यूज हो रहा है एंड 2027 आने तक ये मार्केट $733 बिलियन की बन जाएगी। आजकल AI पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स बहुत ही कॉमन बन गए हैं कस्टमर सर्विस के सेक्टर में। कस्टमर सर्विस के जॉब्स तो मोस्टली ऑटोमेट भी हो चुके हैं और AI स्पेशली यूज होने वाला है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। अगर आप भी AI या मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी है। आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि पाइथन और R जैसी लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और डेटाबेसेस का नॉलेज होना भी जरूरी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आता है EV स्पेशलिस्ट। EV का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि डीजल या पेट्रोल से नहीं बल्कि रिचार्जेबल बैटरी से चलती है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को देखते हुए काफी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट करने लग रहे हैं। अगर आपको ईवी स्पेशलिस्ट बनना है तो सबसे पहले इनका काम समझो। इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज होता है। इस जॉब के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी से जुड़ी रेगुलेशंस की नॉलेज होना जरूरी है। ईवी स्पेशलिस्ट अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मेंटेनेंस और रिपेयर। साथ ही साथ ईवीज के एडॉप्शन को बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ईवी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में डिग्री या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। साथ ही साथ इंटर्नशिप्स या ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू ईवीज के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेते रहना। अब लिस्ट का आखिरी जॉब है जॉब नंबर 5, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। ट्रस्ट मी, ये लिस्ट का सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग जॉब है। क्या आप किसी ऐसे मशीन को बनाना चाहोगे जो किसी दिन आप ही को रिप्लेस कर दे? वेल, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कुछ ऐसा ही है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है जो रोबोट्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। रोबोटिक्स इंजीनियर्स कुछ ऐसे रोबोट्स को डिजाइन एंड क्रिएट करते हैं जो कि खुद से मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, एक्सप्लोरेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे टास्क को परफॉर्म कर सके। रोबोटिक्स इंजीनियर्स का काम सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ होता है, जिससे वो इंटेलिजेंट मशीन्स डेवलप करते हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट मशीन्स जो अपने एनवायरनमेंट को समझ के डिसीजंस ले सकते हैं और एक्शंस को एग्जीक्यूट भी कर सके। अगर आप भी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें C++ और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। इसमें करियर बनाने के लिए बेसिकली रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे रिलेटेड फील्ड में डिग्री लेना पड़ेगा। इस लिस्ट में सबसे इजी विद हाईएस्ट पेइंग जॉब है डेटा एनालिस्ट का। और अगर आप डायरेक्टली कॉलेज से निकल के 5 लाख per annum का जॉब पाना चाहते हैं तो ग्रेट लर्निंग का डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम ज्वाइन करो और 4 महीने में अपना करियर बदलो। यहां से आपको 10 गारंटीड जॉब इंटरव्यूज भी मिलेगा। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज जानना है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।